हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये कंट्रोलर के बारे में बात करने वाले हैं। इस कंट्रोलर का नाम जो है वो SP801E है। ये जो कंट्रोलर है ये वाईफाई आर्टनेट कंट्रोलर है। आर्टनेट मतलब ये होता है कि जो आर्टनेट एक तरह का प्रोटोकॉल है जिसमें कि आप जो है LEDs को लाइव चला सकते हो। लाइव मतलब जैसा मोबाइल में या कि आपके कंप्यूटर में जैसी चीज़ें चलती हैं वही आपके पिक्सल पे चलती हैं, ठीक है। तो इस कंट्रोलर को एज अ आप ऑनलाइन एज अ ऑफलाइन दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, इसका हम पहले इसका ओवरव्यू बता देते हैं। तो इधर देखोगे आप तो इसमें ग्राउंड और VCC लिखा हुआ है, ठीक है। ग्राउंड और VCC जो है ये ग्राउंड जो है माइनस के लिए और VCC प्लस के लिए होता है, ठीक। प्लस में आप इसको 5 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक दे सकते हो, इसमें लिखा हुआ है, ठीक। 5 वोल्ट टू 24 वोल्ट। अब 24 वोल्ट वाली जो आपकी 30 mm की हो गई, 50 mm की पिक्सल हो गई, वो 24 वोल्ट पे आती है, तो उसको आप इस कंट्रोलर से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक। अब आपका जो दूसरा इधर दिख रहा है, तो इधर आपको P1, P2, P3, P4 दिख रहा है, ठीक। ये आपके 4 पोर्ट हैं, इसमें आप पर पोर्ट 1024 लाइटें चला सकते हो। इसमें लिखा हुआ है 1024 × 4, मतलब टोटल ये अप्रोक्स 4000 पिक्सल का कंट्रोलर है, ठीक। और इसमें VCC ग्राउंड है, और इधर आप देखोगे तो एक बटन दिया हुआ है, ठीक। ये जो बटन है ये बटन आपका AP और STA दो मोड होते हैं। AP मोड मतलब ये होता है एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट मतलब एज अ ये आपका हॉटस्पॉट काम करेगा, जैसे हमारे जो वाईफाई वाले कंट्रोलर होते हैं जिस तरह वो वर्क करते हैं। एक तो वो मोड हो गया, एक ऐसा मोड होता है कि जैसे इस कंट्रोलर को आप अपने घर के राउटर से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो मोड हो गया, तो इसको आप प्रेस किए रहोगे, इसमें बटन दिया हुआ है तो बटन प्रेस करके इसका मोड चेंज कर सकते हो, ठीक। तो इसको ऐसा दोनों तरह इस्तेमाल कर सकते हो। आप जब चाहो तो आप इसी को एक्सेस पॉइंट की तरह इस यूज करके आप इससे आर्टनेट चला सकते हो। अगर ये कंट्रोलर दूर है आपका, तो दूर रहेगा तो इसकी जो वाईफाई की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, तो इसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा राउटर से, ठीक है। और आपके कंप्यूटर को भी राउटर से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो फिर उस तरह का एक नेटवर्क बन जाएगा, उससे फिर ये कम्युनिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बटन है ये उसी को चेंज करने के लिए, ठीक। तो इसका ये ओवरव्यू है। दोस्तों, इसी तरह का एक SP सीरीज का और कंट्रोलर जो बहुत फेमस है, उसका नाम 107E है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसमें जो इफेक्ट होते हैं वो लीनियर टाइप के इफेक्ट होते हैं, मतलब सीधी लाइन के इफेक्ट। उसमें मैट्रिक्स टाइप के इफेक्ट नहीं होते हैं, इसमें आपका मैट्रिक्स टाइप का इफेक्ट होता है। मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जब लेंथ और विड्थ में पिक्सलें होती हैं, जैसे 16:32 हो गया, 12:24 हो गया, 50:40 हो गया, है ना, तो उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसके अंदर जो प्री डिफाइंड इफेक्ट है वो सारे मैट्रिक्स टाइप के हैं, और उसके अंदर जो थे वो लीनियर थे, मतलब सीधी लाइन पे पिक्सल को चलाने का उसमें इफेक्ट था, ठीक। तो ये इस उस कंट्रोलर से इसमें ये चेंज है। दूसरा इसमें जो चेंज है वो है, इसमें पिक्सल कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। उसमें आप 970 के अराउंड पिक्सल चला सकते थे, इसमें आप 4000 पिक्सल चला सकते हो, ठीक है। तो उस कंट्रोलर से इस कंट्रोलर में ये अंतर है। इसको आप एज अ म्यूजिक मोड में भी चला सकते हो, लाइव में मतलब आप जो आपकी स्क्रीन में चलेगा सेम चीज आपकी पिक्सल में चलेगा, तो वही सारी चीजें हम चला के दिखाने वाले हैं आप। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे होगे कि ये 16:32 का जो हमारा डिस्प्ले है उसमें हमने कंट्रोलर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और इसके पोर्ट 1 से अभी डेटा कनेक्ट किया हुआ है। एक पोर्ट में 1000 पिक्सल चलता है, तो अभी हम 512 इसे चला रहे हैं। तो इसके लिए इसमें एक QR कोड दिया रहता है, उस QR कोड से आप स्कैन करोगे तो ये ऐप आपको मिलेगा, ठीक। प्ले स्टोर में जाके ये ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको अपने फ़ोन के वाईफाई से इसको कनेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको सेम प्रोसेस है जैसे हमारे वाले वाईफाई वाले कंट्रोलर थे, उसी तरह इसको भी आपको कनेक्ट करना है। तो ये आपका SP801 ऐसे करके आएगा, ठीक है। और उसमें पासवर्ड डालना है 1 2 3 4 5 6 7 8, और कनेक्ट पे क्लिक करना है। तो देखिए कनेक्ट हो गया, ठीक, टिक मार गया। अब इसको आपको फिर से वो ऐप ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि इधर प्लस में करना है, ऐड न्यू डिवाइस पे करना है, ओके पे करना है। स्कैन कर रहा है ये ऑटोमेटिक, ठीक है। ये देखिए HHEW4000, ये हमने इसका नेम चेंज कर दिया है, आप वाले में SP801 लिख के आएगा, ठीक है। तो आप चेंज भी कर सकते हो। इसमें क्लिक किया हमने, इसको कर दिया ओके, इसको अलाउ कर दो, माइक को भी अलाउ कर दो आप, ठीक है। तो ये हमारा पहले से जो प्लेलिस्ट बना हुआ था उसी का चल रहा है। प्लेलिस्ट इसमें आप बना सकते हो अलग अलग कलर का, ठीक है। अभी आपको दिखा देते हैं इसका स्पीड वगैरह बढ़ा के, तो इसमें देखो स्पीड बढ़ गया, ठीक है।
ये स्पीड कम हो गया, ये ब्राइटनेस बढ़ गया, ये ब्राइटनेस कम हो गया, ठीक है। तो ये कुल मिला के इसमें इफेक्ट, पहले लेआउट इसमें सेलेक्ट करना है, क्रिएट लेआउट करो और यहाँ पे रेगुलर में क्लिक करो और यहाँ पे ऐड में क्लिक करो, पोर्ट वन के लिए है, नेक्स्ट पे क्लिक करो। विड्थ है हमारे वाले का 32 और हाइट जो है वो है 16, 512 एल ई डी, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करो, इसमें वायरिंग है तो वायरिंग ये वाला है हमारा, इसमें ओके कर देते हैं, इसमें क्लिक कर देते हैं, ठीक है। लेआउट का नेम पूछ रहा है तो ये लिख देते हैं 16x32 टेस्ट, ठीक है, ओके कर देते हैं। तो आप लेआउट सेलेक्ट हो गया, उसके बाद यहाँ से जाके आप इफेक्ट इस पर डाल सकते हो, ये कर दोगे तो ये देखिए इस पर इफेक्ट आने लगा ये, ठीक है। यहाँ से ये लाइव ऑन करने का है, ये ऑफ करने का है, ठीक। इसमें एक लेयर है, एक लेयर और आप ऐड कर सकते हो, उसमें ये फेडिंग पिक्सल डाल सकते हो, ये सारे इफेक्ट डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के आप अपने से बना के खेल सकते हो इसमें, ठीक। बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम नए तरह के आ जाएंगे, इसमें जो जो दिया हुआ है एग्जांपल में उसी से आप सिंगल लेयर डबल लेयर करके बना सकते हो। एक तो इसका ये वाला है, ठीक है, और दूसरा जो है वो दूसरा चीज़ इसका दिखा देते हैं हम कि यहाँ पे है, देखो एक तो म्यूज़िक इफेक्ट है ये, तो ये म्यूज़िक से चलेगा, जो म्यूज़िक आएगा वही चलेगा, ठीक है। इधर ऑडियो में क्लिक कर देते हैं अपन, तो हम जो ऑडियो बजाएंगे उसी ऑडियो के हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे भी हम अगर माइक कर देंगे तो जैसे जो हम बोलेंगे वैसे आएगा, ठीक है, हेलो हेलो हेलो, ये देखिए अभी आ रहा है वैसे ही। अब हम इसमें क्या करते हैं कि इसका जैसे अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना हो तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। यहाँ पे आओ, आप इसको एडजस्ट में आओ और इसका कलर चेंज कर दो, ये हो गया, ये हो गया। तो ये सारा म्यूज़िक की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया इसके लिए। अब उसके बाद इसमें और चीज़ें आपको बता देते हैं हम। इसमें आप फिर से बैक आओ, म्यूज़िक के बाद अब आप इसमें कि ये इसका इफेक्ट थोड़ा सा बढ़िया है, इसमें क्या है कि आप ड्राइंग बना सकते हो, ठीक है। कहीं बोर्ड वगैरह पे लगाया है तो ऐसे इसको आप बना सकते हो, ठीक, ये भी सिंपल ही है। उसके बाद आप यहाँ पे फ़ोटो वगैरह अपलोड कर सकते हो, लेकिन जब आप करो तो बड़े डिस्प्ले में, छोटे पे करोगे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे GIF वगैरह भी डाल सकते हो। उसके बाद इसमें है कि आप जो है इसमें जो इफ़ेक्ट दिया हुआ है पहले से, ये देखो ये हो गया है ना। तो इस तरह के इफ़ेक्ट आप सिंगल लेयर डबल लेयर करके डाल सकते हो। ये तो हो गया इसका जो इसमें लाइव चलाना है। मान लो आप चाहते हो कि हमको इसको लाइव नहीं चलाना है, ठीक है, आप इसमें कुछ इफेक्ट रिकॉर्ड करके रख देना चाहते हो, जैसे मैंने अभी रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, ठीक, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो वो चल रहा है। तो आप यहाँ पे प्लस पे जाओ, ठीक है, यहाँ पे इसका प्लेलिस्ट के लिए आता है, ठीक, यहाँ पे जाते हैं हम, ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट करते हैं, ठीक, इधर सीन का नाम दे देते हैं टेस्ट वन। अब ये रिकॉर्ड हो गया, ठीक। इसमें जो है इसमें फ्लैश मेमोरी एक लगी हुई है जिसका साइज 118 MB है, ठीक है। तो आप इसमें बहुत ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड कर सकते, थोड़े बहुत रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। ये जैसे फायर का हो गया, इधर देखोगे तो फायर चल रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसको रख देते हैं N2 के नाम से, ठीक, दो हो गया। अब आपको क्या करना है कि आप इधर देखोगे तो दो आपके यही आ गए, एक दो है ना। तो अभी जो हमने प्लेलिस्ट बनाया था इस पे अगर आप देखो, इसमें यहाँ से N2 और ये दोनों सेलेक्ट कर दो, ठीक है, और इसको क्लिक कर देते हैं डन। तो इसको अगर हम सेलेक्ट कर देंगे तो पहले ये आएगा, इसके बाद वो जो डॉट डॉट वाला रेड कलर का था वो आएगा, ये देखो तो आ रहा है। अब इसके लिए हमको क्या है ना कि ये वाईफाई जोड़ के रखना ज़रूरी नहीं है, हम डिसकनेक्ट कर देंगे फिर ऑन करके ऑफ करके ऑन करेंगे तो यही इफेक्ट चलता मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें आप टेक्स्ट वगैरह भी चला सकते हो, टेक्स्ट वगैरह का भी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें तो आप देख ही सकते हो। जो इसमें नई चीज़ हम बताने वाले हैं वो ये है कि इसको आप आर्ट रेट के जैसे यूज़ करके आप कैसे मैट्रिक्स और रिजोल्यूम उन दोनों सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो मैट्रिक्स की तरह इस्तेमाल करने के लिए हम पहले मतलब आर्टनेट के लिए आपको हम आज जो दिखाने वाले हैं वो एक यूनिवर्स इसका यूज़ करके दिखाएंगे, ठीक है।
तो अभी जो हमारा डिस्प्ले है वो 16x32 का है, तो इसमें 16x10 का हम एक पोर्ट से चलाएंगे और उसको आपको कंप्यूटर से लाइव उसमें रिजोल्यूम में और मैट्रिक्स में दोनों में चला के दिखाएंगे। ठीक, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आओगे तो इसमें मोड पूछता है, रेगुलर मोड और आर्टनेट मोड। ठीक है, तो आर्टनेट मोड पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ पिक्सल पूछेगा, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ चैनल। तो जो हम यूज़ करने वाले हैं वो 480 चैनल यूज़ करने वाले हैं, मतलब कि हम 16x10 इस्तेमाल करेंगे। तो 16x10 होता है टोटल LED 160, और एक LED तीन चैनल की होती है, तो टोटल 480 होगा। ठीक, अब हम ऐसा कर सकते हैं कि एक एक जैसे हमारा है ना, एक पोर्ट पे हम 7 यूनिवर्स तक जोड़ सकते हैं। ठीक, तो अभी फ़िलहाल हम एक ही यूनिवर्स जोड़ के आपको दिखाएंगे। ठीक, तो अब हमने इसको आर्ट नेट के जैसे इस मोड पे सेलेक्ट कर दिया है, तो अभी ये देखो ब्लैक हो गया है। जब हम कंप्यूटर से इसका वो करेंगे, इस पर आप देखो जो इसकी ज़रूरी चीज़ है वो ये आईपी एड्रेस है। ठीक, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको आईपी एड्रेस की। ठीक है, तो ये आपको रख लेना। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन का वाईफाई आप चाहो तो डिसकनेक्ट कर दो। ठीक है, दोबारा इसको अगर रेगुलर मोड के जैसे इस्तेमाल करना है तो आपको पहले कनेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से एग्ज़िट करना पड़ेगा। ठीक, एग्ज़िट कर दोगे तो ये आर्टनेट से हट के रेगुलर मोड में आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब जब इसको एज अ आर्टनेट इस्तेमाल करना हो तो आपको इसको कनेक्ट करना है, कनेक्ट करके यहाँ आर्टनेट मोड में क्लिक करना है। ठीक, तो ये आर्टनेट मोड में चला गया। अब आर्टनेट मोड में हो गया, अभी आपको इसमें वाईफाई पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको वाई नेटवर्क सेलेक्ट करना है। तो ये इसमें वाईफाई दिखा रहा है। ठीक, इसको दो तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि इसको आप कंप्यूटर को भी राउटर से कनेक्ट करके और जो कंट्रोलर है उसको भी राउटर से कनेक्ट करके आप इस पे चला सकते हो, और अगर आपके पास राउटर नहीं है तो डायरेक्ट कंट्रोलर को एज अ एक्सेस पॉइंट यूज़ करके आप इसको चला सकते हो। ठीक है, तो वही आज हम करके दिखाने वाले हैं। हम अभी राउटर से नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, जो हमारा राउटर है उससे नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, आपको अभी डायरेक्ट इस कंट्रोलर से कनेक्ट करके दिखा रहे हैं। ठीक है, हमने पहले से पासवर्ड डाला हुआ था इसलिए हमसे पासवर्ड नहीं मांगेगा, इसका 1 से लेकर 8 तक पासवर्ड है। ठीक, तो वो पासवर्ड आप डाल दीजिएगा। अभी आप इस पे देखोगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको ऐप चलाते हैं, सबसे पहले रिजोल्यूम चला के दिखाते हैं। ठीक है, तो रिजोल्यूम हम ओपन कर लेते हैं। अभी नॉर्मली हम लोग 3 तरह के सॉफ्टवेयर जानते हैं जो कि आर्टनेट से चलते हैं। एक तो हमारा जिनिक्स हो गया जो कि एकदम सिंपल है, सब लोग उसे चला लेते हैं। एक दूसरा जो हो गया वो रिजोल्यूम हो गया, और तीसरा मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो जिनिक्स से आज हम नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि जिनिक्स से आप नॉर्मली चला सकते हो, बहुत सारे हमने पहले भी ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं जिनिक्स से चलाने का, तो जिनिक्स से आर्टनेट लोग चला लेते हैं। आज जो हम बताने वाले हैं आपको वो रिजोल्यूम से और अपना मैट्रिक्स से, इन दोनों से आपको चला के दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पर जाना है, ठीक, और प्रेफरेंस पर जाना है। प्रेफरेंस पर जाके यहाँ DMX पर जाना है, DMX पर जाके यूनिवर्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी हमारा 4 पोर्ट है तो 4 यूनिवर्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एक पोर्ट से एक यूनिवर्स चला के दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे जो आपका वाईफाई है, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर का वाईफाई वाला वो है ड्राइवर है, उसी में ये सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है वो आर्ट नेट में वाईफाई के थ्रू हो रहा है, इसलिए इसको अगर दूसरे में सेलेक्ट रहेगा ना तो ये फिर चलेगा नहीं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका ड्राइवर है वाईफाई का, उसी लैपटॉप के ड्राइवर के वाईफाई से ही कनेक्ट यहाँ पर क्लिक रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं हमारा कनेक्ट हुआ कि नहीं। तो ये इस पर देखोगे कि कनेक्ट हो गया। ठीक है, नो इंटरनेट लिखा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आना है। ठीक है, आउटपुट में, आउटपुट में आके एडवांस पे आना है। ठीक, एडवांस पे आओगे तो अभी हम इसको पहले सब डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस पे आना है। ठीक, जैसे ही अपना DMX का यूनिवर्स होता है उसी तरह इसमें लूमिनिवर्स होता है। ठीक है, इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये हमने सब पहले से बना रखा था इसलिए ये बार बार अपने से आ जा रहा है, आप इसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से क्रिएट करने का जो इसका है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे आना है। अगर आपको आप वाले में डायरेक्ट ना आए तो यहाँ पे आना है। ठीक है, फिक्स्चर एडिटर में आना है और यहाँ पे ये देखोगे तो फिक्स्चर मैंने ऐड कर रखा है 10-10 के। ठीक है, 2, 3, 4 सारे कर रखा है। तो आप अगर नया करना है तो यहाँ पर प्लस में आओगे। ठीक, प्लस में आओगे तो ये फिक्स्चर 5 आ जाएगा।
अब उसके बाद आपकी कितनी विड्थ और कितनी हाइट है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी विड्थ जो है वो 10 है और हाइट जो है वो 16 है, ठीक, तो ये आपका न्यू फिक्सचर 5 के नाम से 10x16 का बन गया। अब इसमें देखो इधर ये जल रहा है, आपकी वायरिंग कैसे है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारी वायरिंग ये वाली है, इसमें देखो 3, 6, 8 ऐसे, मतलब जो इसका एक चैनल होता है, मतलब एक पिक्सल होता है वो 3 चैनल का होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो एक यूनिवर्स में DMX के 512 चैनल ही चलते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं चलते हैं। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है अगर आप DMX पे काम कर रहे हो तो, आर्टनेट पे काम कर रहे हो तो। ठीक है, इसको भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ आउटपुट में आना है, एडवांस में आना है और ये ले रहा है। ठीक है, इसको अभी हम इसका नेम चेंज कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी इधर आप देखोगे तो जो चेंज करने वाली चीज़ है ये है, इधर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है। ठीक है, अगर आप वाले में ऑटोमेटिक ना आए तो यहाँ आईपी एड्रेस में क्लिक करके वो जो आईपी एड्रेस हमने वहाँ पे बताया था 192.168.4.1 था शायद, है ना, तो वही यहाँ पे आपको डालना है। अभी यहाँ पे देखोगे तो ये ऑटोमेटिक आ रहा है। ठीक, तो हम वही SP801 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, आप वाले में भी ये आ जाएगा अगर आपका कनेक्ट रहेगा इंटरनेट से तो। ठीक, ये हो गया। अब आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ चला लेते हैं। तो दोस्तों अब हम, अभी आप स्क्रीन पे देखते रहिएगा, कोई एक इफेक्ट ऐड करते हैं। ठीक, इफेक्ट ऐड करने के लिए हम ये यहाँ से इफेक्ट एक सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, ये देखिए जैसे इधर स्क्रीन पे आया, आउटपुट स्क्रीन पे उधर वो उधर डिस्प्ले होने लगा। अभी हम इसमें अगर आप देखोगे तो इसका जो विड्थ है, विड्थ वगैरह भी अगर हम चेंज करेंगे तो ये इसका विड्थ जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका रोटेशन आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक, और जो है इसका कलर भी आपको चेंज करके दिखाते हैं। कलर के लिए आपको यहाँ पे आना है, ह्यू को हम टाइमलाइन पे डाल देते हैं। ठीक, तो देखिएगा इसमें स्लोली कलर चेंज होगा, जैसा इधर इसके आउटपुट विंडो में है वैसे ही वहाँ पे पिक्सल में चल रहा है। ठीक है, अभी हम एक ही यूनिवर्स चलाएं, आप पूरे 4000 पिक्सल इसे चला सकते हो। ठीक, और इस पर आपको दिखा देते हैं, इसमें अगर आपको म्यूजिक पे सिंक करना है तो म्यूजिक के लिए आप यहाँ पे आओ। ठीक है, और इसको एक्सटर्नल FFT पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अब इसमें जो साउंड आएगा वैसे आएगा, अभी नहीं कैच कर रहा है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक, कंपोजिशन में आना है, नहीं प्रेफरेंस में, प्रेफरेंस में आना है और ऑडियो में आना है, और ऑडियो इनपुट के लिए आपको माइक्रोफोन अरे प्ले क्लिक करना है एक्सटर्नल FFT में। हेलो 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 हेलो, इस पर देखिए आ रहा है। ठीक है, अभी हम इसको जो है क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं और इसका थोड़ा गेन वगैरह बढ़ा देते हैं। हेलो हेलो हेलो, ये देखिए ये म्यूजिक पे अब चल रहा है, मतलब जैसा इसको आवाज़ मिल रहा है वैसे ये रिएक्ट कर रहा है। इसको अगर आप देखो इस विंडो में तो आपको दिखेगा। हेलो, मतलब जो साउंड आएगा जिस तरह से वैसे ही यहाँ पे ये रिएक्ट होगा। ठीक है, तो वैसे आप इसको चला सकते हो। तो ये अभी हमने दिखा दिया आपको कि इसमें कैसे चलता है रिजोल्यूम में। ठीक है, इसमें बहुत सारे इफेक्ट है तो आप अलग अलग तरह के इफेक्ट बना भी सकते हो, कुछ वीडियो इफेक्ट है, AVI इफेक्ट है, वो सारे इंपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका फिर अगर आप चाहिए तो मैं पूरा ट्यूटोरियल इस पे बना दूंगा कि कैसे आपको इस पे वर्क करना है। बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे फंक्शन आप कर सकते हो उसमें, 3D में, 2D में सारे। ठीक है, तो ये तो रिजोल्यूम का हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं कि अब देखिए आर्टनेट का ऐसा है कि आप एक साथ दो आर्टनेट डेटा नहीं भेज सकते, तो अब अगर हम मैट्रिक्स यूज करने वाले हैं तो रिजोल्यूम से इसका आउटपुट हमको ऑफ करना पड़ेगा। तो आउटपुट ऑफ करने के लिए यहां से इसको डिसेबल पे क्लिक कर देते हैं, तो जो इसका जा रहा था आर्टनेट से डेटा वो डेटा बंद हो जाएगा। ठीक है, देखिए डेटा बंद हो गया। अब आपको इस सॉफ्टवेयर को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक, अब हम मैट्रिक्स ओपन करते हैं। अभी मैट्रिक्स का की हमारे पास नहीं है, जो डेमो इसका सॉफ्टवेयर होता है उसी में हम आपको इसको चला के दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाना है, सबसे पहले इसका आर्टनेट ओपन करना है। तो आर्टनेट के लिए यहाँ पे आना है आपको मैट्रिक्स जनरेटर। ठीक है,
मैट्रिक जनरेटर में आके आपको यक्स और वाई दोनों लिख देना है। तो यक्स जो होता है, यक्स एक्सेस वाला होता है, तो अभी हम 10 लाइन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और जो वाई पे वो 16 है, ठीक। और जो हमारा कनेक्शन है वो स्नेक वाइज है, वर्टिकल है, टॉप लेफ्ट से है, ठीक। ये तो ये सारी चीज़ें हो गई, अब इसको ओके कर देते हैं, ठीक। अब ये यहाँ पे देखोगे तो आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे आना है, पैचिंग पे आना है, जैसा हम पैच करते थे जिनिक्स वगैरह में वैसे ही इसमें भी पैच करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आना है, ये ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है कि 1 जो है ये है, 2, 3, 4, 5 है ना, ऐसे दिखा रहा है, तो आपको पैचिंग हो गया है इसमें। अब आपको कैंसिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आना है आपको डिवाइस मैनेजर में, ये सबसे मेन है। यहाँ पे आर्टनेट पे आना है, आर्टनेट पे आके सिंक पे क्लिक करना है, यहाँ पे प्लस में क्लिक करना है, तो नंबर ऑफ डिवाइसेस में 1 करना है, पोर्ट पे क्लिक करना है आपको, ये हमारा 4 पोर्ट का डिवाइस है, तो यहाँ पे करना है, इसको ओके करना है, ठीक। यहाँ यूनिवर्स में आके इसको थोड़ा सा चेंज कर देना है, 1 ऊपर वाले में दिया है तो इसको 2 कर देना है, ठीक है, इसको 3 कर देना है, इसको 4 कर देना है, इसको 5 कर देना है, ठीक। यहाँ से ये आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक सेट है, अगर ना सेट हो तो आप यहाँ पे इसको जो है ये करके यहाँ पे आप आईपी एड्रेस सेट कर सकते हो, ठीक है। इसको अप्लाई में क्लिक कर देना है और इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक। अब आपको क्या करना है कि यहाँ डिवाइस में आना है, डिवाइस में आके आपको इनेबल में क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आना है आपको यूनिवर्स, इसमें 1 रखना है, इसमें 2 कर देना है, अब इसको हम कर देते हैं अप्लाई, ठीक है। अब हम इसमें कुछ इफेक्ट चला के आपको दिखाते हैं, तो आप देखिएगा जो इसके विंडो में चलेगा वही उधर चलेगा। तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है और कलर चेंज पे क्लिक करते हैं, तो ये देखो जो इधर कलर चेंज हो रहा है वही उधर हो रहा है, ठीक है। और भी बदल के दिखा देते हैं आपको, इसमें आना है आपको इधर, ये ड्रॉप में देखिए जैसा ड्रॉप हो रहा है इधर वैसे ही वहाँ पे हो रहा है, ये इसका आउटपुट विंडो है, जैसे इसमें हो रहा है वैसे उधर होगा, ठीक। तो आप इसमें खूब सारे इफेक्ट हैं, तो वो इफेक्ट आप यहाँ से चला सकते हो, काफ़ी आसान है इसको चलाना। अगर आपको सीखना है तो आप बताना, तो हम इसका पूरा कोर्स आपको सिखा देंगे। इसमें क्या होता है ना कि अभी ये डेमो है, तो इसमें जो है कुछ देर के लिए ऑफ हो जाता है, चलता रहेगा, फिर कुछ देर के लिए ऑफ हो जाएगा, फिर चलने लगेगा, ठीक है। ये देखिए ऑफ हो गया जैसे, तो ये जो है ये देखिए आ गया, ठीक है। तो ये हो गया ये चीज़ का। अब इसमें जो म्यूज़िक वाला है, तो म्यूज़िक वाला भी इसमें कर सकते हो आप। इसमें जैसे हम कर देते हैं ये, हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो हेलो, देखिए ये अभी क्या हो रहा है, ये जो अभी हमने सेलेक्ट कर दिया म्यूज़िक टू लाइट में, ठीक है। जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे तो इसमें जो है लाइन कलर स्क्रॉल होता जाएगा, ठीक है। अभी हम चुप हो जाएंगे तो देखिएगा बंद हो जाएगा, हेलो हेलो, ठीक है। तो इसमें जो है आप म्यूज़िक के हिसाब से ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, ठीक। तो अभी हमने आपको दिखा दिया कि आप जो है SP801 से कैसे आप रिजोल्यूम से कैसे आप मैट्रिक से चला सकते हो। जिनिक्स का एकदम सिंपल है, अगर आपसे नहीं आता तो आप कमेंट करिएगा, तो हम जिनिक्स से भी बना देंगे, ठीक है। और अगर आपको इन सॉफ्टवेयर के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो उसके बारे में। तो दोस्तों अब आखिरी में हम बता देते हैं कि इसको लेना है आपको कि नहीं लेना है, ठीक है। तो इस कंट्रोलर को उन लोगों को लेना है जिनका छोटा रेस्टोरेंट है, छोटा बार है, मतलब जिनके अराउंड 4000 तक पिक्सल लगी हुई है ना, जैसे आपका रेस्टो बार है छोटा सा, जिम वगैरह है,
तो वहां पे आप पिक्सल लगा के इसमें अलग अलग तरह के इफेक्ट डाल सकते हो, आप इसमें म्यूजिक से सिंक कर सकते हो, ठीक है। तो उनके लिए बहुत बेहतरीन कंट्रोलर है। ये कंट्रोलर उनके लिए नहीं है जो अपना जैसे चक्रे का हो गया, आपका बिल्डिंग का हो गया, इन सब की जो प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उनके लिए अपना एसडी कार्ड वाले जो कंट्रोलर हैं वो लेने पे ज़्यादा अच्छा है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो स्पेस है वो बहुत कम है, इसमें 118 MB का इंटरनल मेमोरी होता है, ठीक है। तो इसमें आप रनिंग वाले इफेक्ट डाल सकते हो, लेकिन अगर आपको एनिमेशन वगैरह चाहिए तो वो इसमें नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो आप इसमें एक चीज़ और इसमें फ़ायदा है कि इसमें अगर आपका जो लेआउट है वो आप इसमें मैनुअल लेआउट है ना, तो मैनुअल लेआउट भी इसमें डाल सकते हो, ठीक है। आपका फिक्स मैट्रिक्स अगर नहीं है तो आप इसमें DXF फाइल जो होती है, जो कोरल ड्रा से बनती है, तो कोरल ड्रा वाली फाइल इसमें डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाती है। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो हम उस तरह के भी इसके ट्यूटोरियल लेके आएंगे जिसमें हम मैनुअल लेआउट वाले लेआउट इंपोर्ट करके फिर उसको चला के दिखाएंगे। जैसे मैनुअल लेआउट में आपका गेट का हो गया है ना, तो इस तरह के भी जो आपके इफेक्ट होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप में पिक्सल लगती है, तो उनका भी इसमें लेआउट इंपोर्ट हो जाएगा, और मैट्रिक्स वाला तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा।